Hello everyone, good evening everybody, am I audible to each and everyone? Good afternoon everybody, am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now, this is Mohit here and welcome to the Testbook India ke best AJE electrical session mein aap sabhi bachcho ka phir se swagat hai. Isko best aap logo ne banaya hai, guys aapke pyaar ne banaya hai pichle paune do saal ke andar andar. Jitni bhi baar hum log mile hain, chahe exam DSSP ho ya DFCCIL ho. RVUNL हो या RSM SSB SSC JEE हो या NHPC Steel Authority of India Limited OCT बोकारो हो या राउरकेला का पेपर हो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर हो या SSC JEE हो महाट्रांसको हो या UP मेट्रो आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आपको पता है एवरी संडे हमारा AEJEE इलेक्ट्रिकल का मैराथन होता है और आज हमारा जो मैराथन है वो है पूरा नेटवर्क एनालिसिस के बेस पे तो आज के मैराथन के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें नेटवर्क एनालिसिस की देखेंगे जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे जो मेरा आज का मैराथन है उसके अंदर हम लोग ने बेसिक फंडामेंटल्स पे टारगेट किया है तो जितने भी मेरे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आपका एग्जाम हो गया वेस्ट बंगाल PSC पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिप्लोमा ट्रेनिंग या अगर हम बात करें तो आपको पता है महाजैन को AEJEE या फिर SSC JEE और RRB JEE जैसे सारे JEE के एग्जाम्स के लिए जो नेटवर्क सर्किट के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग आज चीजों को देखने वाले हैं और आई होप कि इस मैराथन के बाद आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आने वाली है तो सबसे पहले तो सेशन को भाई जल्दी से सारे लोगों के बीच में शेयर कर देना यार और सेशन को लाइक जरूर कर देना सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना भाई DSSB का क्वेश्चन आईडी दिखा रहा है आंसर आईडी नहीं दिख रहा है कुछ नहीं कर सकते बेटा इसके अंदर तुम्हें क्या ही करूंगा है ना इसके अंदर तुम्हें क्या ही करूंगा ठीक है चलिए सर AI एडमिट कार्ड पे मेरा साइन वर्टिकल है यह संकेता मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था आपका साइन वर्टिकल है तो बेटा आप तो कुछ भी नहीं कर सकते एक मेल कर दो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मेरा साइन जो है वो वर्टिकल आ गया है तो प्लीज मुझे किसी तरीके का इशू ना होने दीजिएगा और आप एक काम करिएगा जब आप एग्जाम देने जाए ठीक है तो आपका जो एक्चुअल साइन है हॉरिजॉन्टल तो एक ब्लैंक पेपर पे पहले से करके ले जाना ठीक है मतलब करके ले जाना और वो बोलेंगे कि तुमको बोलना कि पता नहीं गलती से कंप्यूटर के अंदर वर्टिकल आ गया है बट मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल साइन करती हूँ अपलोडिंग में शायद इशू आ गया तो वो आपको अलाउ कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए कल सर फाउंडेशन सीरीज नहीं हुआ था आदित्य फाउंडेशन इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली है ना मंडे टू फ्राइडे इज फाउंडेशन SSC JEE RRB JEE फाउंडेशन इज ऑन मंडे टू फ्राइडे चलिए सो पहला क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू ऑफ R इन ओम्स तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी गाइस ओम्स के अंदर ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू ओम्स में कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है जल्दी से सभी बच्चे कैलकुलेट करेगा एक एक बच्चा कैलकुलेट करेगा जल्दी से ओम्स की वैल्यू कैलकुलेट करो भाई सभी बच्चे जल्दी से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू फास्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेगा हर एक बच्चा जल्दी से कैलकुलेट करेंगे भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी तो यार रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ज्यादा कुछ दम नहीं लगाना ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो बेटा यहां पर आप मुझे बताओ अगर ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 2 × R तो यहां पर जो वोल्टेज आने वाला है वो 2 × R आने वाला है यहां पर जो वोल्टेज आने वाला है वो 2 × R होने वाला है अब ये वोल्टेज जो है वो इसके पैरेलल में भी आ जाएगा क्यों क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होते हैं तो यहां भी वोल्टेज कितना आ जाएगा बेटा 2R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस ब्रांच में करंट कितना होगा तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो 100 − 2R/10 तो इस ब्रांच का जो करंट है वो हो जाएगा 100 − 2R/10 और ये हमारा करंट हो जाएगा किसकी ब्रांच का इस ब्रांच का लेकिन अब इस ब्रांच में वास्तविकता में करंट आ कितना रहा है वो इंपॉर्टेंट है तो इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो कितना है वो करंट है 2+ ये वाली ब्रांच में जाने वाला करंट अब ये वाली ब्रांच में जाने वाला करंट क्या होगा ये वाली ब्रांच का वोल्टेज कितना है 2R और ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम तो 2R/10 तो ये वाली ब्रांच के अंदर जो हमारा करंट आ जाएगा वो 2R/10 आ जाएगा यानी कि R/5 आ जाएगा कितना आ जाएगा R/5 तो यहाँ R/5 जा रहा है और इधर 2 जा रहा है यानी कि यहाँ जा रहा है R/5 + 2 तो जो कुछ भी करंट इधर से आ रहा होगा वो कितना है R/5 और 2 यानी कि इतना है और एक्चुअल में करंट कितना है 100 − 2R/10 जब ये सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई ये जब सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 100 − 2R
100 minus 2R divided by 10 should become equals to R plus 10, R plus 10 divided by 5. तो ये 5 बन जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 100 minus 2R equals to 2R, clear, 2R plus 20, something like इस, ऐसा आएगा. तो यहां से R की वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे हिसाब से 20 ओम आ रही होगी, आप सभी बच्चों ने कैलकुलेट अगर किया होगा तो. R की जो वैल्यू आ रही होगी हमारी वो 20 ओम के आसपास और होगी. Am I right or wrong? Absolutely right, sir. सर DDA JEE के लिए भी कुछ कराइए प्लीज. निशान DDA JEE की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेगुलर मेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के सेशन देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. DDA का सड़ा सा पेपर आता है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, पेपर एज इट इज देखने को मिल जाएगा तुमको मेरे ही सेशन से. तो 4 बजे से 6 बजे तक रेगुलर रहो यूट्यूब पर, ठीक है. या फिर एक दूसरी चीज और बोलूंगा, अगर DDA की JEE की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे जितनी भी क्लासेस है वो रेगुलर दे, मेरी जितनी भी क्लासेस है वो रेगुलर देखो, तुमको अपने आप DDA के लिए पता चल जाएगा कि क्या है क्या, ठीक है. ठीक है निशान भैया, है ना, क्योंकि आपको पता है यार मैं ना हमेशा एग्जाम स्पेसिफिक डीलिंग नहीं करता हूं, वो बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं कि आप YouTube पे यहाँ पे लिख दो कि भैया ये DDA JEE का क्लास है. अरे DDA JEE क्या होता है, क्या भारत देश के अंदर DDA JEE अलग तरीके का एग्जाम है, और क्या भारत देश के अंदर RSM SSB JEE अलग एग्जाम है? नहीं यार, सारे JEE के एग्जाम में सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यार हमेशा सब्जेक्ट्स पे वर्क करो, ना कि किसी एग्जाम पे. एग्जाम के नाम लिखना यहाँ पे बेवकूफ बनाने वाली बात होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखो. उसमें मैकेनिकल भी आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ निशान भाई, अगर उसमें मैकेनिकल भी आएगा तो इसका मतलब फिर वो जनरल इंजीनियरिंग हो गई, और जनरल इंजीनियरिंग हो गई तो मैं चेक करवाता हूँ एक बार, तो फिर हम लोग पूरी टीम के साथ जनरल इंजीनियरिंग को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे, उसका लोड मतलब. तो PGCIL इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बताइए, कनेक्शन विद सानिया. PGCIL इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज कनेक्शन विद सानिया आई एम डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल, सो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा. चलिए सर आपका मैसेज देख लेते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है सृष्टि, आपका मैसेज देख लिया जाएगा टेलीग्राम पे. आज हमारे बच्चे कम है, क्लियर, आज हमारे बच्चे कम है, हमारे बच्चा टाटा स्टील का पेपर देने गए, मैक्सिमम बच्चे. UPPCL के लिए कहां से पढ़े, UPPCL से मोहित सर से पढ़ो, एक मोहित सर है इलेक्ट्रिकल के, अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे मोहित सर इलेक्ट्रिकल तो वो दिखेंगे, उनसे पढ़ाई करो UPPCL के लिए, बहुत बेहतर होगा. ऋषिकेश भाई, है ना, तो शायद सब बच्चे जानते भी होंगे मोहित सर इलेक्ट्रिकल को. ATC वाली क्लास कब होगी, शाम को 5 बजे, ATC की क्लास शाम को 5 बजे, ठीक है. तो मोहित सर एक इलेक्ट्रिकल में है, ऐसा कुछ है, AEJEE को पढ़ाते, इंडिया की बेस्ट AEJEE की क्लास चलती है, उनसे पढ़ लो UPPCL के लिए तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है. चलिए तो सब जानते ही उनको, है ना, एक मोहित सर है, चश्मा लगा के आते हैं, दिन भर यूट्यूब पे रहते हो, है ना, ऐसा उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम दिन भर यूट्यूब पे रहते हो, क्या बात है, इतना इतना क्या पढ़ाते हो, और इतना बच्चे पढ़ते हैं. कभी कभी उनके घर वाले उनसे पूछते हैं क्या तुम जितना पढ़ाते हो उतना बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने बोला पढ़ते हैं तभी तो पढ़ाते हैं, है, सिंपल सा लॉजिक है. चलिए एक नोडल एनालिसिस की अगर हम बात करें, द प्रेफर्ड रेफरेंस नोड इज अ नोड दैट इज कनेक्टेड टू, एक नोडल एनालिसिस में जो प्रेफर्ड हमारा प्रेफर्ड रेफरेंस नोड है, एक ऐसा नोड जो रेफरेंस नोड की कैटेगरी में आता है, उसको किससे कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड से करते हैं, मेनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क से कनेक्ट होता है, हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स, ये तो कभी नहीं होता, रेफरेंस नोड को कभी भी हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स लगा सकते हो क्या, तो कौन सी बात इनमें से सही है, तो इनमें से एक ही बात सही है कि भाई मेनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि आपका रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे नोड बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोड बन रहे हैं, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये इस तरीके का कुछ है. अब आप रेफरेंस नोड अगर इसको मान रहे हो तो ये मतलब एक ऐसा नोड बन जाता है, ये एक ऐसा नोड बन जाता है जो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी. रेफरेंस का मतलब ये होता है एक ऐसा नोड जो सर्किट के मैनी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड हो. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेफरेंस नोड हमेशा सर्किट के मैनी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है. सेंट्रल स्किल बोर्ड JEE का एग्जाम क्वेश्चन कैसा आता है विष्णु भाई, इसके बारे में मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर मैं बता पाऊंगा, ठीक है. गुड इवनिंग दीपक, इसके बारे में मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर मैं बता पाऊंगा, क्लियर. चलिए तो आंसर गलत लगाने के बाद डिलीट कर दिए जाते हैं. बाप रे बाप, कैसा देश में रह रहा हूं मैं, है, अपने स्टेटमेंट को वापस हटा लिया जाते हैं. चलो लेकिन ऐसा सुना था हमने कुछ समय पहले, बोला गया था मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ऐसा सही बात है, तो फिर ये वापस कैसे हो रहा है. चलो गलत बात है ये. इन द सर्किट शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है. तो बेटा सबसे पहले तो ये सर्किट आपको दिख रही होगी, इस सर्किट के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है. तो अब करेक्ट नहीं है तो कैसे लिखेंगे यार. तो यार एक बात बताओ, यहां पर ये 6 एम्पियर है बोलो हाँ या ना, ये हमारा I2 है बोलो हाँ या ना, ये हमारा I2 है, एम आई राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली सर. ये हमारा I1 है, एम आई राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली सर. अब आपको बताना है यहाँ पर ये I1 और I2 के बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो I1 और I2 के बीच का रिलेशनशिप बता सकते हो क्या, हाँ कैसे बताओगे बेटा. इधर देखो, इधर से ये I1 आ रहा है लेकिन I2 ऊपर जा रहा है, यानी कि सीधी सी बात है
आई टू में से आई वन को माइनस करेंगे तो 6 एम्पियर आना चाहिए, यानी कि आई वन में से आई टू को माइनस करूंगा तो माइनस का 6 एम्पियर आना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अगर ऑप्शन में ये बोला गया नॉट करेक्ट, अगर ये ऑप्शन में है तो ये करेक्ट है। दूसरी एक इक्वेशन और आप लोग बना सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ये बड़े वाले में देखो बीच में जब करंट सोर्स आ जाता है दो मेश के बीच में तो हमेशा याद रखना सुपर मेश लगाया जाता है। सुपर मेश वो क्वांटिटी होती है या वो क्वालिटी होती है किसी नेटवर्क की कि अगर दो लूप के बीच में कभी करंट सोर्स आ जाए तो आप एक ये बड़ा वाला के अंदर भी लगा सकते हो इस तरीके से, इसको बोला जाता है सुपर मेश। ठीक है, जब आप ये लगाने जाओगे तो ये कितना लग के आएगा, ये लग के आएगा 20, इसके बाद ये लग के आएगा माइनस का 6 आई वन, ये लग के आएगा माइनस और 10 और 4 है ना माइनस का 14 आई टू, ये लग के आ जाएगा भाई इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी, ये दो ही इक्वेशन पॉसिबल है, इसके अलावा अगर कोई भी तीसरी इक्वेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है जो भी कुछ लिखी होगी तो वो गलत होगी। जरा चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर ये लिखा है आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 6, तो हमारा आ रहा था कि आई टू माइनस आई वन सही बात है, तो ये इक्वेशन तो सही है। ये सर्किट कंटेन करती है सुपर मैश, ये भी सही है। अब आता है माइनस 20 प्लस 6 आई वन प्लस 14 आई टू, माइनस 20 प्लस 6 आई वन प्लस 14 आई टू, यानी कि ये इक्वेशन भी सही है, यानी कि आपके पास ये इक्वेशन भी सही है, ये इक्वेशन भी सही है। ये इक्वेशन बकवास लिखी हुई है, इसको गलत कर दो। क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। काश ये ऑप्शन एग्जाम में भी मिलता, डिलीट कर सकते थे। सर ये कलयुग है, यहाँ तीर आ जाता वापस आ जाता है तीर, क्या बात कर रहे हो हैं, वापस आके अपने में घुसता है। फिर हमने तीर नहीं चलाया और ना ही आंसर को बोला था, इसलिए डिलीट कर दिया। अच्छा चलो चलो आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फॉर द लार्ज नेटवर्क जनरली, अगर हम एक लार्ज नेटवर्क की बात करें तो लार्ज नेटवर्क हमारे जनरली क्या होते हैं? नोड एनालिसिस प्रेफर किया जाता है, मैश एनालिसिस प्रेफर किया जाता है, बोथ नोड एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस प्रेफर किया जाता है, या नाइदर नोड और नॉर मैश एनालिसिस प्रेफर किया जाता है? बेटा लार्ज नेटवर्क है, अब लार्ज नेटवर्क है यानी कि बड़े नेटवर्क है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट होंगे, आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, आप चाहो यहाँ पर तो नोडल एनालिसिस लगा दो, आप चाहो यहाँ पर तो मैश एनालिसिस लगा दो। अप टू द यू है गाइस, अप टू द मार्क है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो लगाना है लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लगाना है लगाइए। तो लार्ज नेटवर्क के लिए नोडल एनालिसिस लगा दो, मैश एनालिसिस लगा दो, बोथ नोड एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस इक्वली प्रेफर कर दो, या कुछ ये लगा दो। तो करेक्ट आंसर ये है कि भाई अगर आप नोड एनालिसिस लगाने जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मैश भी लगा सकते हो, आपके पास दोनों टूल है, दोनों टूल की इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसलिए दोनों लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ फॉर्म्ड बाय इंक्लोजिंग अ, अब देखता हूं किसी बच्चे ने क्या लगाया, मोहिसर मेथड इज प्रिफर्ड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक बार ऐसा ये लाइक करके एक बार ऐसा 45 करो ना, लाइक को शतक मारो ना, एक बार लाइक को शतक मारो ना। इक्वली प्रेफर्ड नहीं करते दीपक भाई, ये बताइए इक्वली प्रेफर्ड क्यों नहीं करते, क्या रीजन है इक्वली नॉट प्रेफर करने का? ठीक है, मैं पुराने वाले क्वेश्चन पे भी वापस आऊंगा, पुराने वाले क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। द लार्ज नेटवर्क जनरली नोड एनालिसिस प्रेफर करो, क्यों भाई? नोड अच्छा होता है मैश बेकार होता है क्या? अगर नोड अच्छा होता है मैश बेकार होता है तो आप प्रूफ कर दीजिए, अगर मैश अच्छा होता है नोड बेकार होता है तो आप प्रूफ कर दीजिए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, नोड एनालिसिस वहां लगाना है जहां नोड की इक्वेशन कम लगे, और मैश एनालिसिस वहां लगाना होता है बेटा जहां पे मैश की इक्वेशन कम लगे। क्लियर? बट आप इन दोनों में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन बेहतर है, दोनों ही अपने आप में बेहतर है। एक केसीएल पे है, यानी कि अगर आपने बोला नोड अच्छा है तो आपने किरचॉफ साहब के करंट लॉ को बोल दिया कि वो अच्छा है और केवीएल बेकार है, तो किरचॉफ साहब बुरा मान जाएंगे, और अगर आपने बोल दिया केवीएल अच्छा है तो किरचॉफ साहब का करंट लॉ बुरा मान जाएगा, तो बोलेंगे कि मेरे दोनों लॉ अच्छे हैं, इसलिए हैं तो दोनों बराबर बराबर। अब लगाना कहां पे? स्मार्टनेस पे। कैसे? जहां पर भी नोड की इक्वेशन कम लग रही है वहां नोड लगाओ, इसलिए दोनों को इक्वली प्रेफर किया जाए। ओके ओके दीपक सर, आपका शॉर्टकट रूल कहां कहां नहीं लगता है, सब जगह लग जाता है लगाने की कोशिश करोगे तो। मैश टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब बात की बातें हैं कि आप जो बोल रहे हो मैश टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, आप बता दीजिए मुझे कौन सा मेथड प्रेफर करोगे। चलिए अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा मेथड आप प्रेफर करना चाहोगे। ठीक है, आपको सारी ब्रांचेस में अगर करंट निकालना है तो ये एक करंट सोर्स है, 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 ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब आप ही मुझे बताइए कौन सा मेथड कौन सा सोर्स लगाना चाहोगे। मैं आपको बोलूंगा इसमें अगर आप नोड लगाने जाओगे तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि एक नोड की इक्वेशन यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, चार नोड की इक्वेशन बनेगी।
लेकिन अगर आप इसमें मैश लगाओगे तो आसानी से लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, यहां से लेकर के पूरा यहां तक सारे करंट सोर्स हैं बीच में, तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा सुपर मैश बन जाएगा, तो ये एक ही इक्वेशन बनेगी और आपका काम खत्म हो जाएगा। देख लो एक बार, क्लियर है? हाँ, तो जो बोल रहे हैं दीपक भाई मैश में ज्यादा इक्वेशन आता है, नहीं, डिपेंड करता है नेटवर्क कैसा है। यहां पे नेटवर्क के बारे में क्या बोला है वो देखो, है ना, नेटवर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो बोथ प्रेफर्ड करेंगे, ध्यान रखना। चलिए, तो ये टेक्स्ट बुक पे गलत आंसर दिया हुआ है, इसको सही कर लेना। डैश इज फॉर्मड बाय इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी। क्या मतलब है? डैश इज फॉर्मड, ये कब फॉर्म होता है? बाय इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। और कोई भी एलिमेंट उसके पैरेलल में अगर कनेक्ट होगा तो उसको क्या बोला जाता है? डैश इज फॉर्मड, ये कब फॉर्म होता है बेटा? ऑफ बाय इनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुपर नोड। कभी भी कोई दो नोड के बीच में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए तो उसको अपन क्या बना देते हैं? सुपर नोड बना देते हैं। उसको अपन क्या बना देते हैं मेरे लाल? सुपर नोड बना देते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट, नॉर्टन थ्योरम आपको क्या बताती है? कि एंटायर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ टर्मिनल कैन बी रिप्लेस्ड विथ। एक नॉर्टन थ्योरम क्या बताती है? नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम दोनों एक जैसा वर्क करती है, करने का काम उनका दोनों का एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देख लो। तो बेटा एक नॉर्टन थ्योरम की अगर हम बात करें, एक नॉर्टन थ्योरम की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्टन थ्योरम हमको क्या बताती है? नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एंटायर नेटवर्क कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ टर्मिनल, पूरा का पूरा नेटवर्क जो हमारा एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा जो एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटा एक नॉर्टन थ्योरम को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से, और उसके साथ आप पैरेलल में लगा सकते हो एक रेजिस्टेंस को। ये कहलाता है पैरेलल में लगा सकते हो एक रेजिस्टेंस को, सॉरी, एक करंट सोर्स को आप पैरेलल में लगा सकते हो एक रेजिस्टेंस से। तो एक नॉर्टन थ्योरम बोलती है कि पूरे के पूरे नेटवर्क को आप एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ लगा सकते हो। और एक थेवेनिन थ्योरम बोलती है एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा सकते हो, उसको बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? नॉर्टन। उसको बोलते हैं थेवेनिन। तो यहां पर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए, सिंगल करंट सोर्स होना चाहिए, और उसको हम पैरेलल में लगाते हैं किसके? रेजिस्टेंस के। क्लियर हो गई बात? परफेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स वोल्टेज Vs आपको दिया हुआ है आज, V cos ओमेगा t has an internal impedance of 6+8j. If a purely resistive load is connected to this source, has to extract the maximum power out of the source, find its value. क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे कि आपके पास, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है जरा सुनना, एक वोल्टेज सोर्स आपके पास गिवन है, ये आप देखिए, ठीक है, ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, और उसके बाद बोला इसका इंटरनल इंपीडेंस आज आपको दिया हुआ है, तो इसका इंटरनल इंपीडेंस आज आपको दिया हुआ है 6+8j, ये इंटरनल इंपीडेंस है, और आपको बोला जा रहा है कि इसको एक प्योर रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है, ये एक प्योर रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा प्योर रेजिस्टिव लोड है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। आपको बोला जा रहा है कि इस प्योर रेजिस्टिव लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर करनी हो, इस प्योर रेजिस्टिव लोड को अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए इस आर की वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम पावर अगर इसको ट्रांसफर करनी हो तो बेटा इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये आर की वैल्यू होनी चाहिए हमारी इसके मॉडुलस के बराबर, यानी कि मॉड ऑफ जेड एस के बराबर। तो आर की वैल्यू हमारी होनी चाहिए किसके? इंटरनल इंटरनल इंपीडेंस के मॉड के बराबर, यानी कि 6² + 8² और 6² + 8² कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 64 और 36, यानी कि 100, यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू होनी चाहिए वो 10 ओम होनी चाहिए। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए गाइस? 10 ओम होना चाहिए। हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10 ओम होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लियर सर, एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लियर। चलिए, इन एनी बायलैटरल नेटवर्क, दुनिया का कोई भी बायलैटरल नेटवर्क हो, बायलैटरल का मतलब होता है द्विदिशा, दोनों डायरेक्शन में जिसमें करंट फ्लो हो सके, ठीक है, अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ इन एनी ब्रांच प्रोड्यूस अ करंट आई इन अनदर ब्रांच, देन सेम ईएमएफ एक्टिंग इन द सेकंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करंट इन द फर्स्ट ब्रांच। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? दुनिया का कोई भी बायलैटरल नेटवर्क हो, किसी एक ब्रांच में लगा हुआ वोल्टेज किसी दूसरी ब्रांच में आई नाम का करंट पैदा करता है। सिमिलरली, अगर उस ब्रांच से जिसमें आई पैदा कर रहा है वही वोल्टेज सोर्स अब उसमें लगा दिया जाए और पहली ब्रांच में अगर करंट निकालने जाए तो वो करंट हमारा सेम निकल के आता है, ऐसा बोलने वाले कौन थे? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, ऐसा बोलने वाले कौन थे?
गुड, तो ऐसा बोलने वाले कोई नहीं थे गाइज, इनको बोला गया था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी ये? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर है? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट? कौन सी थ्योरम इनमें से बेटा एप्लीकेबल है लीनियरिटी के लिए भी और नॉन लीनियरिटी के लिए भी? मतलब लीनियर के लिए भी लग जाएगी, नॉन लीनियर के लिए भी लग जाएगी, एप्लीकेबल है। सबसे पहले आते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बाय डिफॉल्ट हमारी नॉन लीनियर के लिए ही लगती है। दूसरी बात बात कर लेते हैं थेवेनिन। थेवेनिन भी हमारी, सॉरी, ये हमारी नॉन लीनियर के लिए नहीं लगती है। थेवेनिन की बात कर लेते हैं तो थेवेनिन भी नॉन लीनियर के लिए नहीं लगता। नॉर्टन नॉन लीनियर के लिए नहीं लगता। ये तीनों के तीनों ही हमारे नॉन लीनियर के लिए नहीं लगते। क्लियर? ये तीनों के तीनों ही हमारे लीनियरिटी के लिए लगते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्यों? क्यों क्यों हो जाएगा? अब जैसे मान लो कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो, क्लियर है ना, कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो दिमाग ऐसे लगाना है, ऐसे समझना। दुनिया में जहां जहां थेवेनिन थेवेनिन अवेलेबल है, यानी कि जहां जहां बेटा थेवेनिन लग सकता है वहां नॉर्टन भी लग सकता है, तो या तो आंसर ये दोनों होंगे या तो इनमें से एक भी नहीं होगा। तो अब या तो दोनों हो नहीं सकते, तो एक भी नहीं कर दो, तो ये दोनों ही नहीं है मान लो। अब बचा कौन? सुपरपोजिशन नन ऑफ दिस। तो सुपरपोजिशन के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि वो नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अब मुझे बताओ कौन सी थ्योरम ऐसी है, कौन सी थ्योरम ऐसी है जो नॉन लीनियर के लिए लगती है, उसका नाम बताओ। थेवेनिन नहीं लगती, नॉर्टन नहीं लगती, सुपरपोजिशन नहीं लगती, तो फिर कौन सी लगती है जल्दी बताए। आज मैं सो के उठा सुबह सुबह, तो सो के उठा सुबह सुबह तो एक कजिन है भी घर पे आया हुआ है छोटा, तो वो बोलता है भैया, मैंने बोला हाँ, बोला हरे हरे शंभू आए बाहर, मैंने बोला है क्या बोल रहा है नींद में मेरे को, एक बोला हरे हरे शंभू बाहर आए, मेरे को लगा महाशिवरात्रि है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है, हैं पता नहीं किसकी बात कर रहा है, बोला अरे हरे हरे शंभू आए बाहर, मैंने बोला यार ये क्या बोलना चाह रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। ओनली टेलिगेंस थ्योरम, गुड। तो भाई ओनली टेलिगेंस थ्योरम ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बोला कि हरे हरे शंभू बाहर आए, मेरे को लगा कोई नहीं मतलब शिवरात्रि कोई बाबा बाबा आए होंगे बाहर, है ना, तो मैंने बोला हो ठीक है, मैंने इग्नोर मार दिया। फिर बोला अरे हरे हरे शंभू आए बाहर, मैंने बोला क्या बात कर रहा है भाई ये गाना है ये, बोला अरे हाँ जिन्होंने ये गाना गाया है ना वो दीदी आई है बाहर, मैंने क्या बात कर रहा है पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, बोला हाँ। फिर मेरे को वो दिखाने लेके गया, तो मैं देखा मतलब रात वात में कोई बड़ा सा स्टेज बनाया था, तो देखा मैंने कि मतलब कोई आने वाला है मतलब, फिर होर्डिंग वोर्डिंग देखा मैंने, बोला अच्छा तेरे को मालूम है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कौन गाया था ये गाना, गजब है यार भाई गजब, इतना सा है सब मालूम उसको, उसको सब मालूम, मेरे को आज पता चला, देख रहे हो आप। जरा जल्दी क्लास लेने का रीजन, रीजन तो कुछ नहीं है यार, और भी क्लासेस हैं तो सारी क्लासेस मैनेज करना जरूरी है ना, और भी क्लासेस हैं तो सारी क्लासेस मैनेज करना जरूरी है, मतलब एजेई वाले इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की भी क्लास लेना जरूरी है, एटीसी का एग्जाम है तो उनकी भी क्लास लेना जरूरी है ना, उनका परसों एग्जाम है बेटा, और एक टाटा स्टील का एग्जाम हुआ तो उसका एनालिसिस भी जरूरी है, तो सारी चीजें जरूरी है, इसलिए मैनेज करके सारी चीजों को किया मैंने, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा है ना कोई भी बच्चे को दिक्कत हो। देख रहा आजकल भाई बच्चे बहुत तेज हो गए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने बोला तू कैसे जानता है, बोलता अरे मैं सुनता था इनको, मैंने बोला वाह गजब चलो भैया बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, मैंने आजा बेटा तेरे को बताऊंगा मैं, तू थोड़ा बड़ा हो जा फिर तेरे को बताता हूँ मैं, अभी तो तू कर ले फिर तेरे को बताऊंगा मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग टेलिगेंस थ्योरम इज करेक्ट, कौन सी बात टेलिगेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेक्ट है? इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स इन ऑल पैरेलल ऑफ अ लीनियर फोर टर्मिनल नेटवर्क। It is applicable for any lumped network having elements which are linear or non-linear, active or passive, time-varying or time-invariant, and many content-independent or dependent sources. It can be applied to branch which is not coupled to other branches. ये तो बकवास बात लिखी हुई है। It states that the sum of power taken by all the elements of a circuit within constraint imposed by KCL and KVL is non-zero. ये भी बात गलत लिखी हुई। भाई टेलिगेंस ने बोला था कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस किसी भी सर्किट के सारे एलिमेंट्स के अंदर अगर पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पावर का सम जीरो होना चाहिए। अब जब पावर का सम जीरो होना चाहिए तो इसने यहाँ पे लिख दिया नॉन जीरो, तो ये गलत हो गया, ये वाला बाय डिफॉल्ट गलत है। उसके बाद ये लिखा है इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ लीनियर फोर टर्मिनल नेटवर्क, ये बकवास बात लिखी चार टर्मिनल नेटवर्क में नहीं। अब आती है ये वाली बात, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था टेलिगेंस थ्योरम कहां एप्लीकेबल होती है, तो टेलिगेंस थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है, वो सब जगह एप्लीकेबल है, बिकॉज टेलिगेंस थ्योरम वर्क करती है ऊर्जा संरक्षण नियम यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे।
तो नेटवर्क लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, यूनिलेटरल हो, बाइलेटरल हो, या हम बात करें टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, सभी के लिए हमारी एप्लीकेबल होती है कौन, टेलीगन्स थ्योरम, ध्यान रखिएगा। डैश स्टेट्स दैट इफ एन एलिमेंट इन अ नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज करंट सोर्स हुज वोल्टेज करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वोल्टेज करंट सोर्स across the element in the previous network, then the initial condition in the rest of the network will be unaltered. भैया गजब गजब statement वाले सवाले, मजा आएगा करो जल्दी। बेटा तथागत मैंने पिछली क्लास में बोला है यार, सात आठ दिन का है ना, तथागत मैंने पिछली क्लास में बोला है भाई सात आठ दिन का, क्यों परेशान हो रहा है यार। वारे दीपक, कभी भैया बोले दीदी आई थी उसके साथ, उन लोग अलग ही दिमाग चलाते हो कभी कभी, इलेक्ट्रिकल सिखाओ, अरे उसको बड़ा तो न दे, मैंने नहीं सिखा दिया उसको, सब कुछ बताता हूं। डैश स्टेट्स दैट इफ एन एलिमेंट इन अ नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज करंट सोर्स हुज वोल्टेज करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वोल्टेज करंट अक्रॉस द एलिमेंट इन द प्रीवियस नेटवर्क देन द इनिशियल कंडीशन इन द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, इनिशियल कंडीशन इन द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एवरीबॉडी नोस गाइस, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। एक बात बताओ बे, इस थ्योरम को जब तुम पढ़ोगे तो कहीं से भी इसके अंदर नॉर्टन जैसी फीलिंग आ रही है, कहीं से भी इसके अंदर थेविनिन जैसी आ रही है, अगर कहीं से फीलिंग ये वाली आती है तो ये भी आती है, तो इसलिए दोनों नहीं हो सकते। रेसिप्रोसिटी ने क्या बोला था, रेसिप्रोसिटी ने बोला था कि अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना हो, किसी एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट फाइंड आउट करना हो और वोल्टेज आपने अगर अप्लाई किया हो और फिर अगर वोल्टेज और करंट को इंटरचेंज कर दो तो आपका एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो सेम आना चाहिए। ये थ्योरम कहलाती है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का आज से एक स्टेटमेंट याद रख लेना, ये बोलता है जब भी कोई एलिमेंट किसी नेटवर्क में रिप्लेस किया जाए वोल्टेज और करंट सोर्स से, जिसके वोल्टेज और करंट सोर्स को उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो बराबर होता है वोल्टेज और करंट सोर्स का इन द प्रीवियस नेटवर्क, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, यानी कि यही कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चल हेलो सर, आज से स्टार्ट हुआ है क्या, क्या हुआ ये नहीं लिखते अभी, अभी तक यार, ये यार मतलब एक बात बताओ, अब इसने लिखा है हेलो सर ये आज से स्टार्ट हुआ है क्या, क्या हुआ आज से स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर देयर आर रेजिस्टिव एलिमेंट बिटवीन द सोर्स दिस थ्योरम इज। तो बेटा इसको भी देख के फीलिंग आनी चाहिए आपको, ये थ्योरम कहां एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन टू सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये थ्योरम वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पे दो सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो पैरेलल, दो सोर्सेस डायरेक्टली कनेक्टेड हो पैरेलल में वहां एप्लीकेबल है, और इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये वहां एप्लीकेबल नहीं है वेयर देयर आर रेजिस्टेंस एलिमेंट्स बिटवीन द सोर्सेस, जहां पे रेजिस्टेंस एलिमेंट और सोर्सेस के बीच में वहां ये एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसी थ्योरम को क्या बोला जाता है बेटा, मिलमेंस थ्योरम, ऐसी थ्योरम को क्या बोला जाता है, मिलमेंस थ्योरम। तो बेटा आपने देखा होगा मिलमेंस थ्योरम में बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स कहां होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही होता है ना मिलमेंस के अंदर, है ना, यही होता है ना मिलमेंस के अंदर, और कभी भी देखना बेटा इन वोल्टेज सोर्स के बीच में यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, तो यही तो वो बोलना चाह रहा है, द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर देयर आर रेजिस्टेंस एलिमेंट बिटवीन द सोर्सेस, पर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ऐसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, मिलमेंस थ्योरम। क्लियर, मिलमेंस थ्योरम, ये डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया, गलती की डिप्लोमा में नहीं पढ़ा करके, अरे कि यूपीपीसीएल जेई का स्ट्रेटेजी सेशन ले लीजिए, ओके सिद्धार्थ ले लेंगे। आते ही मेरा पोपट बना दिया, तो क्यों करता है ऐसा काम। चलो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस डिप्लोमा लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि कौन सा राज्य का डिप्लोमा, उनका डिप्लोमा एक अलग है, वो उनके हिसाब से लेते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनने जो लिख दिया उसके हिसाब से आपको पढ़ना है और मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। आपने इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपने डिप्लोमा में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस से। ठीक है, ध्यान रखो, When source is delivering maximum power to the load, efficiency will be. जब भी एक source बेटा maximum power load को deliver करता है, तो उसकी efficiency क्या हो जाती है? जब भी एक source maximum power deliver करता है, तो उसकी efficiency क्या हो जाती है? जब भी एक source deliver करता है maximum power to the load, efficiency क्या हो जाती है? तो जब भी हमारा एक source होता है बेटा और जो वो maximum power deliver करता है load को, तो उसकी efficiency हो जाती है 50%। और मैं आपको सर्किट भी बना के दिखा देता हूँ, ये मेरा सर्किट होता है बेटा मैक्सिमम एफिशियंसी के दौरान, ये मेरा सर्किट होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के दौरान, यहां पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारा वोल्टेज,
और यहां पर याद रखना जो मैक्सिमम पावर होती है वो बेसिकली कितनी होती है, वो होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर एल, और आर आई एन, आर एल जो होता है वो आर आई एन के बराबर भी होता है, ठीक है। और ये एफिशिएंसी क्या होती है, 50%, थोड़ी सी पावर इसके पास पहुंचती है, आधी इसके पास पहुंचती है। अ कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस थ्रू द टाइम कांस्टेंट ऑफ, एक कैपेसिटर जब भी एक रेजिस्टर के थ्रू चार्ज होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, और एक इंडक्टर जब भी एक रेजिस्टर के थ्रू चार्ज जब भी एक चार्ज होता है तो उसका उसका कितना होगा। तो बेटा ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है, दोनों के केस में बताइए, तो ये हमारा इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, इसका टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है एल बाय आर, और इसके टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आर सी। दोनों का याद रखिएगा टाइम कांस्टेंट, एक इंडक्टर को जब चार्ज करोगे तो वो एल बाय आर होता है, और एक कैपेसिटर को जब चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो वो हमारा हो जाता है कितना, आर सी, वो हमारा कितना हो जाता है आर सी। आर सी मतलब क्या होता है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, है ना विशु क्या हो गया भाई, अरे सब जगह के डिप्लोमा का सिलेबस वेरी करता है, मेरे डिप्लोमा में भी नहीं था, हरसाली हमको तो सिंधी मैम ने पढ़ाई थी, मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन था, आधे अलग ही लगे हुए हैं पता नहीं कहां पे, आ जाओ भैया। यस वीटी बाय, चलो एन इंडक्टर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, एक इंडक्टर की अगर हम बात करें टी इक्वल टू जीरो प्लस With zero initial condition act as a, एक इंडक्टर की अगर हम बात करें t equal to zero plus पर with initial condition act as a, एक इंडक्टर की अगर हम बात करें t equal to zero plus पे तो initial condition उसकी किसके जैसी होगी, initial condition act as a, तो initial condition उसकी किसके जैसी होगी, एक इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे t equal to zero plus पर तो उसकी initial condition act करेगी किसके जैसी, तो बेटा एक इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे, एक इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे ठीक है, और इंडक्टर में बोला है इनिशियल कंडीशन जीरो है, इनिशियल कंडीशन जीरो यानी कि इंडक्टर के पास जीरो माइनस पे करंट जीरो है, तो बेटा इंडक्टर के पास जीरो प्लस पे भी करंट क्या होगा, जीरो होगा, और जब जीरो प्लस पे भी करंट इंडक्टर के पास जीरो होगा तो इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अरे भैया करंट जब जीरो होगा तो किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सिमिलरली ये चीज कैपेसिटर के लिए पूछता तो क्या होता, कैपेसिटर किसकी तरह काम करता, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है ध्यान रखिए। एक 20 ओम का रजिस्टर है और एक 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं एक सीरीज में, डीसी सप्लाई 5 वोल्ट से थ्रू अ स्विच, व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग, तो करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा स्विच क्लोज करते ही, करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा स्विच क्लोज करते ही, तो करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा स्विच क्लोज करते ही, जल्दी बताएंगे। एक 20 ओम का रजिस्टर है, 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, करंट थ्रू द सर्किट क्या होगा एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच। तो भैया देखो एक 20 ओम का रजिस्टर बना दो, बोलो हाँ या ना, हाँ, और एक कैपेसिटर बना दो, बोलो हाँ या ना, हाँ, और इसको एक 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, बोलो हाँ या ना, कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये 20 ओम का रजिस्टर है, बोलो हाँ या ना, हाँ, यहाँ पर 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, बोलो हाँ या ना, हाँ। अब आप देखो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है बेटा कितनी, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई के केस में हमेशा याद रखना कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, तो अगर कैपेसिटर तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया तो बेटा यहां पर याद रखना जिंदगी भर ये कैपेसिटर ओपन ही रहेगा, जिंदगी भर अगर ये कैपेसिटर ओपन ही रहेगा तो हमेशा याद रखना यहां पर कि यहां से जाने वाला जो करंट है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है, तो बेटा यहां से जाने वाला करंट हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। आप स्विच क्लोज करो या स्विच क्लोज मत करो, इस सर्किट से जाने वाला करंट हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो एम्पियर। यानी कि कहने का मतलब यह है एक कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं, डीसी सोर्स से अगर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक डीसी सोर्स से अगर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए करंट की। व्हाई, द रीजन बिहाइंड दैट इज, द रीजन बिहाइंड दैट इज द कैपेसिटर कैन ब्लॉक द डीसी वोल्टेज एंड अलाउ ओनली एसी वोल्टेज, तो कैपेसिटर हमारे डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल्स को अलाउ करता है, कैपेसिटर परमानेंटली ओपन हो जाएगा, इस वजह से करंट हमेशा जीरो ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। बट इंस्टेंट बोला है, क्यों दिमाग लगाया तूने सर, इलेक्ट्रिकल जेई बैच 5 एक्सटेंड हो गया है क्या सर, क्योंकि सर आपका कि आपकी ही क्लासेस कंप्लीट हो पाई है, कुछ प्रॉब्लम से कंप्लीट नहीं हो पाया, अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो बहुत हेल्प होगी सर। पुनीत कुमावत, इसके लिए आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक बार टीम से बात करके देख लूंगा, अगर पॉसिबिलिटीज होंगी तो वो सारी बता दूंगा, और कुछ उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी तो वो भी बता दूंगा।
सर आप यूपीपीसीएल जेई का कोर्स ऐड कर दीजिए अपने ऐप में, हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अटकते हैं, सर्किट थ्योरी बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं पूरा कंप्रेहेंसिव बैच के अंदर, है ना, ऐसा सर्किट थ्योरी लेके आने वाला हूं कंप्रेहेंसिव बैच के अंदर कि बस आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि भैया दुनिया में आप कभी किसी को नहीं बोल पाओगे कि आपको सर्किट थ्योरी का एक भी सवाल नहीं बनता। मतलब जो मेरे आने वाले विजन है वो यही है कि बच्चे को मैंने मशीन पावर सिस्टम यूटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका हूं, बट मेरा जो आने वाले मोटिव्स है वो यही है कि मैं बच्चे को नेटवर्क में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि नेटवर्क के उसके जितने क्वेश्चन आए एग्जाम में वो बन जाए। मेरी कंटिन्यूअसली टीम से उसके रिगार्डिंग बातें चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही चीजें होंगी आपके सामने फ्रूटफुल वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर डैश नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट द ट्रांजिएंट पोर्शन रीचेस मोर देन 99% ऑफ वैल्यू, जल्दी बताइए बेटा। आशु एक बात बता, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी निकालेगा, दो ही तो पोस्ट हो सकती है, एक एनर्जी हो सकता है, दूसरा एक निकल के जा चुका है, दो ही पॉसिबल है, एक हो चुका है एक और बचा, इसके अलावा और कौन से लेके आएगा। चलो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, आफ्टर डैश नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, कितने नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट के बाद आपका जो करंट या आपका जो ट्रांजिएंट होता है वो उसकी 99% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। बहुत ही रटा हुआ सवाल है ये, सर अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर को क्लेम करना हो तो एसएससी बोलता है गवर्नमेंट का कोई सोर्स दिखाओ, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं दिखाने के लिए नहीं बोलता, वो बोलता है कि स्टैंडर्ड किताब बताओ। स्टैंडर्ड किताब अगर आपको बताना है तो आप मशीन की पीएस भीमरा बता सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पीएस भीमरा बता सकते हो, नागराज कोठारी पावर सिस्टम की बता सकते हो, सीएल वाधवा पावर सिस्टम की बता सकते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है तो बॉयल स्टेड रॉबर्ट बॉयल स्टेड या विलियम हेल्कियास की किताब बता सकते हो, या फिर अगर ईएमटी की है तो सैडी क्यू बता सकते हो, नेटवर्क की है तो चक्रवर्ती बता सकते हो, बहुत सारी किताबें इनके आप स्टैंडर्ड लगाओगे तो काम होगा। वीके मेहता बीएल थरेजा जेबी गुप्ता लगाओगे तो ये कोई किताबें नहीं होती है, ठीक है ना, ये कोई किताबें नहीं, ये तो तुम अब एग्जाम क्लियर कर लेना, तुम खुद ही लिख देना ऐसी किताब। वीके मेहता बीएल थरेजा और जेबी गुप्ता का तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो तुम खुद ही लिख देना ऐसी किताब। कैसे लिखते हैं, 15 किताब अपने सामने रख लेना, उसमें सर में से क्वेश्चन उठा के एक नई किताब बना देना, बोलना ये मेरे नाम की किताब हो गई, खत्म, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बुक इज नॉट अ बुक, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, गुड। तो बेटा यहाँ पे आप लोग देखोगे आफ्टर डैश नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट द ट्रांजिएंट पोर्शन रीचेस मोर देन 99%, तो बेटा फाइव टाइम कॉन्स्टेंट के बाद आपका ट्रांजिएंट जो होता है, फाइव टाइम कॉन्स्टेंट के बाद आपका जो ट्रांजिएंट होता है वो 99% पहुंच जाता है उसकी फाइनल वैल्यू के, 99% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुंच जाता है, 99% ऑफ फाइनल वैल्यू पहुंच जाता है फाइव टाइम कॉन्स्टेंट के बाद। याद रखिए, अ सर्टेन करंट, एक सर्टेन करंट है, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द आयरन कोर इज 1000 जूल एंड इट्स कॉपर लॉसेस इज 2000 वॉट, द टाइम कॉन्स्टेंट इज, तो टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो बेटा एक टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा, अगर कॉपर लॉस उसके 2000 वॉट है और एनर्जी उसमें इतनी है तो टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा। मुझे लगता है कि सबसे ट्रिकी क्वेश्चन भी है ना जेई के बच्चों के लिए, लेकिन आसान भी है। जल्दी करो उस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। चलिए तो बेटा अगर एक सर्टेन करंट की हम बात करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द आयरन कोर इज 1000 जूल एंड इट्स कॉपर लॉसेस आर 1000 वॉट। बेटा कुल मिलाकर के एक ही चीज है क्या, आप मुझे बताओ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, होता है या नहीं होता है। हाँ, आज आपको एनर्जी दी हुई है, हाँ, कितनी 1000 जूल, पावर दी हुई है कितनी 2000, और टाइम कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है, उसी को तो टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 सेकंड, बस खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 1/2 सेकंड, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.5, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.5, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाना था, अपने आप आ जाता, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चा दिमाग लगाने लगता है, यार यहाँ पे एनर्जी दी हुई है हाफ एल आई स्क्वायर, वहां से कुछ निकालूंगा, है ना, या फिर उससे अलावा एक आप अगर चाहते हो वो वाला ऑप्शन तो वो भी कर सकते हो आप। कैसे, एनर्जी आपकी होती है ना हाफ एल आई स्क्वायर, होता है नहीं होता, हाँ, और बेटा पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, यही होता है पावर। तो यहां से काम करो, आई स्क्वायर को आप पुट कर दो किसके अंदर, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो आई स्क्वायर को जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे पी बाय आर, तो एनर्जी आपकी अपने आप आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/2 एल एल इंटू पी बाय आर, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, अब पी बाय आर आ जाएगा, हाँ। और यहां से देखोगे आप लोग तो एनर्जी जो आपकी निकल के आ जाएगी बाय डिफॉल्ट
वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पी बाय, है ना, पी बाय टू इंटू टाउ, ये आ जाएगी आपके अंदर। अब इसका आंसर कितना होना चाहिए, जल्दी कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर वन हो गया। कैसे वन हो गया, आधे बच्चों ने 0.5 लगाया था। मैं बेवकूफ हूं जो इतनी देर से ये कर रहा हूं, हैं भैया, एनर्जी पावर इंटू टाइम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये जो टाइम दिख रहा है यही आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, मतलब आपने एनर्जी रख दी डिवाइडेड बाय टू कर दिया और आपका आंसर आ गया, मतलब खुश हो गए। अरे भैया ऐसी गलतियां पेपर में दोबारा नहीं करनी है, दिस इज द नॉट द राइट वे। अब आप बोलोगे सर फिर क्या करना है सर, चलो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। गधों, ओ गधों, 1/2 लगा के बैठ गए। चल बोला था कि ट्रिकी क्वेश्चन है, इधर देखो ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, ठीक है, और रजिस्टर और इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर होती है, हाँ, तो यहां से अगर और रजिस्टर में जो पावर होती है वो होती है आई स्क्वायर आर। दोनों को एक काम करो डिवाइड कर दो, दोनों को एक काम करो डिवाइड कर दो, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर जो होता है वो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय टू होता है। ये फॉर्मूला जीवन भर के लिए याद रख लेना, इंडक्टर की कोई भी वैल्यू हो और रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हो, एनर्जी बाय पावर जो होता है हमेशा वो टाइम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय टू होता है। अब एनर्जी आज 1000 दी हुई थी, ठीक है, पावर आपकी कितनी दी हुई थी 2000, हाँ, इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय टू, टू से ये 1000 बचा और 1000 से ये कैंसिल हो गया, तो टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल के आएगी। तो ये गलती कभी भी पेपर में मत कर देना, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन। एवरी टाइम बेटा रजिस्टर और इंडक्टर की कोई भी वैल्यू हो याद रखना एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर हमेशा टाइम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय टू होता है। क्लियर हो गया सर, आपका लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर आरआरबी जेई VTY, क्लास के बाद बताऊंगा बेटा कैसे लेना है, ठीक है, आप ही बताते हैं और आप ही, वो तो मैं करूंगा, ऐसी मेरी आदत है ऐसी उंगली करने की, हैं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं जो बोलता हूं उसमें से तुम क्या करते हो। अरे थोड़ा सा तो लगाया करो यार, मतलब ये तो दिमाग लगाते हैं कि यार ये सर कर क्या रहे हो, एनर्जी इक्वल टू पावर इन टाइम, उसी टाइम को टाइम कॉन्स्टेंट मान ले रहे हो, ऐसे कैसे मान ले रहे हो। VTY क्लास के बाद बताऊंगा, अभी है ना, आधे घंटे बाद बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्योर रजिस्टर सर्किट में ट्रांजिएंट आर नॉट अवेलेबल बिकॉज दे आर, एक प्योर रजिस्टर सर्किट में ट्रांजिएंट्स नहीं होते बिकॉज दे आर, वो क्या होते हैं। तो बेटा एक रजिस्टेंस में कभी भी ट्रांजिएंट्स नहीं आते, ट्रांजिएंट्स के लिए आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है, और अगर ट्रांजिएंट्स के लिए आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है तो एक रजिस्टेंस के अंदर ट्रांजिएंट्स तो आते ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हैव नो स्टोर्ड एनर्जी, ऑफर हाई रजिस्टेंस, क्लियर, आर लीनियर सर्किट्स या ओबे ओम्स लॉ, या ओबे ओम्स लॉ। तो याद रखना हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो प्योर रजिस्टिव सर्किट आर नॉट अवेलेबल बिकॉज, प्योर रजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज लीनियर ओबे ओम्स लॉ, तो दे हैव अ करेक्ट आंसर इज दे हैव नो स्टोर्ड एनर्जी। दुनिया में बेटर ट्रांजिएंट्स का मतलब होता है सही समय पे, ऐसे समझना कि जैसे मान लो कहीं एनर्जी एकदम से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुई या चार्ज होना स्टार्ट हुई, तो जब तक रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर कुछ रखता ही नहीं है, जो कुछ आप रेजिस्टेंस को पावर में, जो कुछ आप रेजिस्टेंस को दोगे वो उसको पावर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रजिस्टर के अंदर कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, और रजिस्टर के अंदर जब भी कभी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती तो रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर इज नॉट अ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इसलिए बेटा रजिस्टेंस के अंदर कभी भी टाइम कॉन्स्टेंट जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। द पीरियड ऑफ वेव इज, एक वेव का पीरियड क्या होता है, एक वेव का पीरियड क्या होता है, सेम एज फ्रीक्वेंसी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, नन ऑफ द अबव। फिर से बोलता हूं, एक वेव जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सेम एज फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, नन ऑफ द अबव। तो टाइम पीरियड अगर किसी वेव की अगर हम बात करें तो वेव का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ये एक वेव ले ली, थोड़ी देर के लिए मैंने एक ये वेव ले ली, और इस वेव की अगर मैं बात करूंगा, इस वेव की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी वेव हो जाएगी, और अगर ये हमारी वेव हो जाएगी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारी वेव हो जाएगी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा टाइम पीरियड है, और जब ये हमारा टाइम पीरियड है तो आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है वो 1/ टाइम पीरियड होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 1/ टाइम पीरियड होती है तो ध्यान रखिएगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कितना समय लगेगा टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल को कितना समय लगेगा टाइम पीरियड के लिए, इसी को बोला जाता है क्या,
है ना, टाइम एक साइकिल को कितना लगेगा टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल को कितना समय लगेगा, तो आपको बताना है एक साइकिल को कितना समय लगेगा, तो एक साइकिल को जो समय लगने वाला है वो 1/ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? यस सर, क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फिगर शोज अ सिग्नल, द फॉर्म फैक्टर ऑफ द सिग्नल इज, ये फिगर एक सिग्नल शो करता है तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, ये फिगर एक सिग्नल शो करता है तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, ये आपको बताना है। एक फिगर अगर ये सिग्नल शो करता है तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, ये फॉर्म फैक्टर इसका कितना होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। तो यहां से आप ऐसे आते हो, ऐसे आते हो, ऐसे आते हो, ऐसे जाते 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 हो, ऐसे। और अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो फॉर्म फैक्टर यहां से कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो फॉर्म फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। यार फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, तो यहां पे देख लेते हैं, ये माइनस का ए है और ये हमारा ए है। तो फॉर्म फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, रिपल फैक्टर जो आपका होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन। तो फॉर्म फैक्टर होता क्या है पहले तो ये बताओ, फॉर्म फैक्टर होता है क्या है जल्दी बताओ। फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, ये हमारा फॉर्म फैक्टर होता है। अब जब वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज होता है तो ये एक स्क्वायर वेव है, और एक स्क्वायर वेव की अगर हम बात करते हैं तो एक स्क्वायर वेव का जो हमारा आरएमएस होता है वही हमारा स्क्वायर वेव का एवरेज भी होता है, वही हमारा स्क्वायर वेव का एवरेज भी होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आरएमएस एवरेज बराबर है, यानी कि फॉर्म फैक्टर की वन वैल्यू वन होती है, किसके लिए, फॉर स्क्वायर वेव। तो एक स्क्वायर वेव के लिए हमारा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछ रहे हैं भाई, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों के लिए वन होता है। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए वन है, स्क्वायर के लिए वन है और रेक्टेंगल के लिए भी वन, दोनों के लिए वन। चलो भाई, द स्टेडी स्टेट करंट व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम पीरियड थ्रू द सेम सर्किट। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से बताएंगे गाइस। एक सेकंड के लिए आप लोगों को दिखाई देना सुनाई देना बंद हो रहा हूं, केवल एक सेकंड के लिए, ठीक है? एक सेकंड के लिए आपको दिखाई देना सुनाई देना बंद हो रहा हूं, ठीक है? चलो चलो भाई आ जाओ। तो यहां पे देखते हैं यार, द स्टडी करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर अ हाफ द टाइम ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, क्लियर, प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम पीरियड थ्रू विल बी द सेम सर्किट विल बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। भाई एक बताओ, एक एसी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक एसी की अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू मतलब क्या, द स्टेडी करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम, यानी कि आधी साइकिल के लिए, ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सेंस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम पीरियड टाइम थ्रू आउट द सेम सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। क्लियर हो गई बात, यस बहुत बढ़िया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, इस वोल्टेज की RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे, RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी सारे के सारे बच्चे, RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी सारे के सारे बच्चे। जल्दी करो,
आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। तो बेटा अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 8² + 6√2 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या ले लेना है गाइज, अंडर रूट। तो ये कितना निकल के आ जाएगा यार, ये निकल के आ जाएगा 8² यानी कि 64 के बाद ये निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बेटा 6√2 यानी कि 36/2 यानी कि मेरे हिसाब से 18 है ना। तो 64 + 18 तो 6 8 4 12 यानी कि √82 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू आ गई। अच्छा कोई अगर आपसे पूछता इसके अंदर एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो कोई आपसे इसमें एवरेज वैल्यू पूछता तो ये तो हमारी आरएमएस वैल्यू है, ये तो हमारी क्या है आरएमएस वैल्यू। तो अगर कोई आपसे एवरेज वैल्यू पूछ लेता तो यार अगर आपसे कोई एवरेज वैल्यू पूछ लेता तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती गाइस, 8 हो जाती। तो एवरेज वैल्यू हमारी इसकी कितनी है 8, और आरएमएस वैल्यू हमारी इसकी कितनी हो जाती है, आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, हमारी आरएमएस वैल्यू हो जाती है √82। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इज नोन एज, अगर रेशियो आपको कैलकुलेट करना हो एक मैक्सिमम वैल्यू का, वो भी एक आरएमएस वैल्यू के साथ, तो यार मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो कैलकुलेट करना है यानी कि आपको नाम से याद आ जाना चाहिए क्या, पीक फैक्टर। इसको बोलते हैं बेटा पीक फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पीक फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर, क्लियर। तो ये हो जाता है क्या, पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। तो आरएमएस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज पीक फैक्टर डिवाइडेड एंड क्रेस्ट फैक्टर। इसको पीक फैक्टर भी बोला जाता है, क्रेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट, एक आरएलसी सीरीज सर्किट का फेज एंगल कितना होना चाहिए, एक आरएलसी सीरीज सर्किट का फेज एंगल कितना होना चाहिए, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। एक आरएलसी सीरीज सर्किट का फेज एंगल कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। एक आरएलसी सीरीज सर्किट का फेज एंगल कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। एक आरएलसी सर्किट का फेज एंगल कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा। तो बेटा एक आरएलसी सीरीज सर्किट का फेज एंगल कितना होगा, तो ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। अगर आप चाहते हो कि फेज एंगल कैलकुलेट करना है तो ये आर है, ये एल है, ये सी है। तो यहां से अगर आप फेज एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो होता है टेन इनवर्स ऑफ XL माइनस XC या फिर XL प्लस XC डिवाइडेड बाय R, ये कहलाता है गाइस हमारा फेज एंगल। XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R ये कहलाता है हमारा फेज एंगल, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। बहुत बार हम लोग बच्चे क्या करते हैं पेपर के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कि अरे 1 और 3 तो दोनों सही है। अब जिस इंसान की नजर सबसे पहले 3 पे पड़ती है वो 3 गलती से टिक कर देता है, लेकिन याद रखना बेटा यहाँ पर ये इनवर्स है और यहाँ पर ये इनवर्स नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये गलतियां पेपर में सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आती हैं, तो इन गलतियों को थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर। इन गलतियों को थोड़ा ध्यान रखना, ये गलतियां सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आती हैं। अब ऑप्शन तो एग्जाम में ऐसे दिए रहते हैं, कभी कभी तो ये ऊपर होता तो बच्चा बोलता अरे टेन इनवर्स एक्सेल, देखता ही नहीं नीचे क्या लिखा हुआ है, और ये गलतियां सिली मिस्टेक्स में आती है। बच्चों को लगता है उसका पेपर तो बहुत अच्छा गया है, क्लियर, लेकिन जब वो आंसर की आती है तो देखता है 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, उनमें से कुछ ऐसे भी रहते हैं, तो वो सोचता है यार मैं कर क्या रहा हूँ जीवन में। बात समझ में आ रही है ना, तो थोड़ी सी ऐसी गलतियों को अवॉइड करना है ना। जब भी आप ऑप्शंस को देखें, तो प्यार से धैर्य से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय रहता है पेपर में अपने पास, धैर्य से देखो। एक आरएलसी सीरीज सर्किट रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव, एक आरएलसी सीरीज सर्किट जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव कब होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होती है, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होती है, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होती है, एट लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो यार अगर हम बात करेंगे, अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे है ना, तो ये इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में बेटा एक कर्व बनता है, इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व बनता है इस तरीके का, एक इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बनता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और यहां पर वैल्यू आपकी मिनिमम होती है आर। तो एक इंपीडेंस और एक फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व ये वाला कहलाता है। अब आपको बोला जा रहा है सर्किट जो है प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव हो जाए। अब इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट तभी पॉसिबल है जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो, और ये तब पॉसिबल है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तो याद रखना ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, और आपका XL ज्यादा होता है XC से। और ये जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है, और आपका जो XC है वो आपका XL से ज्यादा है, क्लियर। यहां तक भी बात समझ में आ गई। तो अब आपका XL ज्यादा है तो अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बोलना।
क्या बोलोगे? अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहां पर कभी भी बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन आरएलसी सर्किट, एक आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करेंगे जिसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो 160 किलोहर्ट्ज है और क्वालिटी फैक्टर उसका 100 है, इट्स बैंडविड्थ विल बी, और उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी? एक आरएलसी सर्किट है जिसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी 160 किलोहर्ट्ज, क्वालिटी फैक्टर है 100, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी? तो आज से याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा? बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली मेरा 1/ क्वालिटी फैक्टर होता है। बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है उनके बीच में एक रिलेशन होता है 1 बाय क्वालिटी फैक्टर। तो आज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 160 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय सर्किट, अच्छा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपसे पूछा क्या भाई? बैंडविड्थ पूछी है, ठीक है। तो आज आपसे बैंडविड्थ पूछी हुई है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है कितना? 160 किलोहर्ट्ज और 1 बाय क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर आपका कितना है? 100। तो यहां से अगर आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी हो तो वो आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका कितना बेटा? 1.6 किलोहर्ट्ज आपकी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी, यानी कि बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाय क्वालिटी फैक्टर होता है। बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाय क्वालिटी फैक्टर होता है। बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाय क्वालिटी फैक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। नेक्स्ट, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट द पावर फैक्टर एट द हाफ लोअर पावर फ्रीक्वेंसी विल बी, एक सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा वो भी समझ लेते हैं। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेटा? सबसे पहले याद रखना आप लोग कि अगर हम करंट की बात करें, और करंट की अगर मैं बात करूं वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ, करंट की अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बेटा मेरा जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। यहां पर होता यह है, होता यहां पर यह है कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास जो होता है, यहां पर होता क्या है, यहां जो करंट की वैल्यू होती है वो हमारी वी बाय आर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट। यानी कि हमारा जो करंट होता है वो मैक्सिमम हमको देखने को मिलता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब हाफ पावर क्या है भाई? आप मुझे बताओ, ये मैक्सिमम पावर है, जब करंट ज्यादा होगा तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिलने वाली है? मैक्सिमम पावर। अब ये मैक्सिमम पावर क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है आपकी, मैक्सिमम पावर जो आपकी होती है वो क्या होती है? तो मैक्सिमम पावर आपकी हो जाती है आई स्क्वायर आर, मान लेता हूं। अब मैं आपसे बोलूं हाफ पावर क्या होगी, तो यार आप ही मुझे बताओ हाफ पावर क्या होगी। तो यार हाफ पावर का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो करंट है ना आई स्क्वायर आर बाय टू, ये हाफ पावर हो जाएगी। तो हाफ पावर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं आई बाय रूट टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आई बाय रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर, हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब हाफ पावर का मतलब होता है जब करंट की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाए, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के डिवाइडेड बाय रूट टू हो जाए, अपनी मैक्सिमम वैल्यू करंट की, ये मैक्सिमम वैल्यू है और करंट की अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका डिवाइडेड बाय रूट टू जब हो जाता है, इसको बोलते हैं हाफ पावर की सिचुएशन। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है ना, इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एफ वन, और ये दो फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, एक मिलती है ये वाली और एक मिलती है ये वाली, जिसको बोलते हैं एफ टू। एफ वन को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और एफ टू को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं हायर हाफ पावर, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो आज आपसे यही पूछा है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे नेचर कैसा होगा? यार जब भी आप इधर जाने की कोशिश करोगे तो आप ये समझ लो आपका कैपेसिटिव नेचर ज्यादा है, आप ये समझ लो आपका कैपेसिटिव नेचर ज्यादा है। इस सिचुएशन में आपका कैपेसिटिव नेचर ज्यादा होता है और इस सिचुएशन में आपका इंडक्टिव नेचर ज्यादा होता है, तो पावर फैक्टर तो लीडिंग ही होगा। अब लीडिंग ऑप्शन में कितने हैं? दो ऑप्शन में। तो यार दो ऑप्शन में तो लीडिंग के लिए कौन सा लीडिंग लगाओगे? तो इस सिचुएशन पे जो लीडिंग देखने को मिलती है आपको वो कौन सी मिलती है? 0.707 लीडिंग। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में इंपीडेंस कितना होता है? तेरे को बनी बेटा ऐसा उठा करके ना, ऐसे कसम से ऐसे करके फेंकूंगा, ऐसा सवाल पूछा तूने आज। लोग संडे के दिन क्या क्या करते हैं, कभी देखा है मेरे को कुछ करते हुए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दो साल लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी चीज के, बाल कटवाने का भी समय नहीं है, और उसके बाद तू मेरे से ये सवाल पूछता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस कितना होता है? ना दिवाली देखी, ना दशहरा देखा, ना ईद देखी, ना क्रिसमस देखा, ना न्यू ईयर देखा, ना कुछ और देखा। गलत बोल रहा हूं मैं बात? कोई और बच्चा बता दो अगर मैंने गलत बोली हो ये बात।
जो बच्चा मुझसे पिछले डेढ़ साल से जुड़ा हुआ है वो बच्चा एक बार बता दो, या वो जिस दिन से जुड़ा उस दिन से आज तक बता दो कि अगर कुछ भी गलत बोला हो तो। जो बच्चा मुझसे किसी भी दिन से जुड़ा हुआ अभी तक वो बच्चा बता दे कि हाँ सर आपने कुछ गलत बोला। जिस दिन से वो बच्चा जुड़ा है उस दिन से वो बोल दे कि सर ऐसा कोई दिन था जिस दिन आपने पूरे दिन क्लास नहीं ली हो तो ऐसा बता दो। गुड, चलो आ जाओ। बाकी लोग बेटा देखेगा ना छुट्टी मना रहे हैं बैठ कर संडे की, कोई घूमने गया है हाँ, कोई सोचा दो दिन की ट्रिप करके आ जाते हैं, लेकिन मेरे को पता है मेरा बच्चा तो नहीं गया ना कहीं ट्रिप करने के लिए, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना। और ऐसी सिचुएशन में अगर उसको मैं आज नहीं मिलूंगा तो क्या पता है कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो आज का पूरा दिन सोते ही रहेंगे घर। तो क्यों ना सोचा कि यार बच्चा तो डिमोटिवेट होता रहेगा, लेकिन जब वो मेरी क्लास में आता है तो मैं उसको खुश देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि चलो नहीं यार क्लास में चल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्स्ट केस भी हो तो कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही बात? चलो आ जाओ। तो इम्पीडेंस जो सीरीज रेजोनेंस की सिचुएशन में होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ध्यान रखना। जो इम्पीडेंस सीरीज रेजोनेंस की सिचुएशन में होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। चलो, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ आर एल और सी दिया हुआ है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यार रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ओमेगा नॉट जो होता है वो 1/√LC होता है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा? 1/√L। L कितना है? 50 माइक्रो। C कितना है? इतना इंटू ये नैनो है ये माइक्रो है, तो कितना हो जाएगा? माइक्रो और नैनो 9 और 6 कितना होता है? जल्दी बोलो, 9 और 6 कितना होता है? 15। तो 10^-15 हो जाएगा मिलके नैनो और माइक्रो। अब इसको देखो जब सॉल्व करने जाएंगे तो 50 × 2 कितना हो जाएगा? 50 × 2 कितना हो जाएगा? 100। 100 इससे कैंसिल होगा, 10^9 ही है ना, -9 है ना हाँ, और ये कितना है? -6, ठीक है। तो ये 15 इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10^-13। -13 में से -6 बाहर निकाल दो तो 10^6 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब करना क्या है? डिवाइडेड बाय 2π भी करना है। क्यों करना है 2π? अरे भैया वो उसके लिए करना पड़ेगा ना 2π, तो बस इसको सॉल्व करके देख लो कितना आता है। इसको जो भी सॉल्व करके देख लो कितना आता है, तो सॉल्व करने जाओगे तो मेरे हिसाब से 0.5 मेगाहर्ट्ज के आसपास आना चाहिए। चल कैलकुलेट करके देख लो एक बार, आ रहा है? चल, एक आरएलसी सीरीज सर्किट की अगर हम बात करेंगे, एक आरएलसी सीरीज सर्किट की बात करेंगे, इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज एक्सीड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? एक आरएलसी सीरीज सर्किट की बात करेंगे, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज हमारा एक्सीड कर जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज से, इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज से एक्सीड कर जाए, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमेशा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से बढ़ जाए, तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? अब ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, यस सर। तो अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है तो बेटा देखो क्या होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट है तो आप ही मुझे बता दो क्या होगा। यार एक बात बताओ, सब में करंट तो सेम ही है, ये है आपका एक्सी और ये है आपका एक्सएल। अब इसके पास वोल्टेज अगर बढ़ गया इससे, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा, कि एक्सएल की वैल्यू कंफर्म है कि एक्सी से ज्यादा हो गई होगी, यानी कि नेचर कैसा हो गया होगा बाय डिफॉल्ट इंडक्टिव, और इंडक्टिव हो गया होगा तो करंट बाय डिफॉल्ट लैग ही करेगा, लीड तो कभी करेगा नहीं, ना फेज में हो सकता ना लीड हो सकता है, लैग करेगा। अब लैग करता कौन है? हमेशा करंट, तो करंट लैग करेगा बाय 90 डिग्री, है ना, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? करंट लीड कर सकता है कभी? गुड, इसमें लिखा है करंट लीड द करंट बाय 90 डिग्री, क्यों लिख दिया इसमें? तो गधों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई करो फिर, यही तो मैं बोलता हूं, क्वेश्चन काहे को अच्छे से नहीं पढ़ते? क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले जरा देखो, हैं? क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो रहे अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा था मेरे लाल द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर, पावर का रिएक्टिव कंपोनेंट, आपसे करंट वोल्टेज की बात नहीं कर रहा है, पावर का रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? अब ये पावर का रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है सर? तो देखो क्या होता है, तो ये भी दिखाया जाए, इधर देखो मेरे लाल, ये है वोल्टेज, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। उसके बाद बेटा ये है हमारा इंडक्टर का, ये हमारा कैपेसिटर का करंट होता है, हाँ सर, और ये हमारा इंडक्टर का करंट होता है, हाँ सर, ठीक है, और ये हमारा रजिस्टर, ये
एक मिनट रुको, ये हमारा बेटा वोल्टेज होता है हाँ, और ये हमारा करंट अभी लैग कर रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये हमारा करंट लैग कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग आपने ये लगाया ना कि आपका करंट लैग करना चाहिए। जब भी बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा तो हमारा करंट जो होगा वो लैग करेगा, करंट हमारा लैग करेगा किससे, वोल्टेज से, वो भी कितने डिग्री से, बाय थीटा डिग्री से। सबसे पहले तो थीटा डिग्री से क्यों, अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू जीरो होती या रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती तभी इंडक्टर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये आंसर लगाने नहीं थे आपको, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज है तो आपका करंट लैग करेगा 90 डिग्री से नहीं। अब इस करंट के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, इस करंट के बेटा दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक आएगा ये वाला जिसको बोलते हैं आई का कॉस फाई, और एक आएगा ये वाला जिसको बोलते हैं आई का साइन फाई। इसको बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर और इसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर। ये हमारा किससे और कहां से, ये देख के बताना था। अब आपका आंसर आना चाहिए क्या, क्या एक्सीड्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज, द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री। क्या बात है तथागत भाई, समझ में आया, बोलो। तो यहां पर ये गलती कभी मत करना बेटा कि क्या है क्या नहीं, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। चलो समझ में आया नहीं आया, अभी भी देख लो, एक बार चेक कर लो, देख लो किसकी बारे में बात करी गई है और कौन पूछ रहा है। द नेटवर्क इज सेट टू बी अंडर रेजोनेंस व्हेन द वोल्टेज एंड करंट एट द नेटवर्क इनपुट टर्मिनल आर। नेटवर्क एक रेजोनेंस में कब होता है, द नेटवर्क इज सेट टू बी अंडर रेजोनेंस व्हेन द वोल्टेज एंड करंट। और उस क्वेश्चन के बारे में आज एक बार और सोचना, उस क्वेश्चन के बारे में आज एक बार और सोचना और एक बार पूरा डायग्राम बना के देखना, अपने आप आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बार और सोचना, डायग्राम बना के देखना, लीव मत करना, ठीक है, लीव नहीं करना है। चलो, द नेटवर्क इज सेट टू बी अंडर रेजोनेंस व्हेन द वोल्टेज एंड करंट एट द नेटवर्क इनपुट टर्मिनल इज। बेटा एक नेटवर्क तभी रेजोनेंस में होता है जब उसका इनपुट पावर फैक्टर क्या होने वाला है, वन, और जब पावर फैक्टर वन होता है तो वो बेटा वोल्टेज उसका और उसका करंट दोनों एक दूसरे के साथ किस में हो जाते हैं, सेम फेज में, क्लियर, सेम फेज में हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन में लिखा इन सेम फेज विद इक्वल मैग्नीट्यूड, नहीं जरूरी नहीं है। इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। अब ये इक्वल होना और ना होना डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये जरूरी नहीं। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पैरेलल रेजोनेटिंग बैंड पास फिल्टर इज 20 किलोहर्ट्ज़ एंड इट्स बैंडविड्थ इज 2 किलोहर्ट्ज़, इस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी। क्या बोला जा रहा है, एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, बैंड पास फिल्टर है, जिसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ है और उसकी बैंडविड्थ है 2 किलोहर्ट्ज़। आपको बताना है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जल्दी बताओ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यार अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो बेटा आराम से निकाल सकते हो, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का मॉडल बनेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, जब ये फ्रीक्वेंसी का मॉडल बनेगा, सॉरी, जब ये फ्रीक्वेंसी का मॉडल बनेगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो आपको पता चली चुकी है कितनी है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे पता चल चुकी है कितनी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़। अब आप मुझे बताओ यहां पे होगी आपकी लोअर हाफ और यहां होगा अपर हाफ, तो अपर हाफ हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के, अपर हाफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के, बोलो हाँ या ना। अबे ये अपर हाफ है तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो 20 से ज्यादा वाला जो भी ऑप्शन में वो लगा देना, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 22, समझ गए। अबे 20 से ज्यादा वाला कोई भी ऑप्शन में तो लगा दो। अच्छा लोअर कितना हो जाएगा, तो ये अगर 20 है ये 22 है तो लोअर वाला कितना हो जाएगा, 18, ये लोअर हाफ पावर होगी और ये अपर हाफ। ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब बैलेंस ये इसमें गलत लिखा है बेटा, है ना, ये इसमें गलत लिखा, बकवास लिखी हुई ये बात। अब आप बोलोगे सर बकवास कैसे लिख दी ये बात, आप ये फिर से समझ लो एक बार और, फिर से समझ लो एक बार और। तो आप अभी देखो जो मैंने आपको बोला आपने भी वही कर दिया। अरे मेरे लाल थोड़ा सा तो दिमाग लगाते, मेरे लाल थोड़ा सा तो दिमाग लगाते बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है,
मैं जो बोलता जा रहा हूं तुम लोग करते जा रहे हो। बैंडविड्थ आज 20 किलो हर्ट्ज है, सुन लेना मेरी बात को, बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्ज है, सुन लिए, 20 से ऊपर हाफ अपर हाफ होगी, 20 के ऊपर होगी अपर हाफ, 20 के ऊपर यहाँ पे एक ही ऑप्शन नहीं है, दो दो हैं, एक 21 भी है 22 भी, दोनों में से कौन सा सही होगा ये चेक करना है। कैसे चेक करें? तो चेक करने का तरीका ये होता है कि भैया यहां से लेके यहां तक, यानी कि F2 - F1, इसको F2 ले लो, इसको क्या लोगे, F2 लोगे, F2 और F2 - F1 जो होता है इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है। तो जरा इसमें क्वेश्चन में लिखा भी था 2 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाते, F2 में से F1 को माइनस करने जाऊंगा तो बैंडविड्थ निकल के आएगी, F2 में से F1 को माइनस करने जाऊंगा तो बैंडविड्थ निकल के आएगी, और आज बैंडविड्थ की वैल्यू आपको 2 किलोहर्ट्ज दी हुई है, यानी कि यहां से लेकर के पूरा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 किलोहर्ट्ज है, यानी कि ये आधा होगा और ये आधा होगा, तो जब ये पूरा 2 किलोहर्ट्ज है तो ये एक होगा और ये एक होगा, तो 20 में 1 ऐड करोगे तो 21 निकल के आएगा। ये बैंडविड्थ आपको यहां पे नाश्ता करने के लिए नहीं आई थी, बैंडविड्थ यहां पे नाश्ता करने नहीं आया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बार दिल से लाइक करना यार, मजा आया कि नहीं नेटवर्क के अंदर, जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं नेटवर्क के अंदर, दिल से लाइक करो यार, दिल से लाइक करो, दिल से बताना यार, मतलब नहीं आया होगा तो सीधे लिख देना चैटबॉक्स में, कोई बात नहीं। चलो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हो, क्लियर, तो बेटा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप सारे बच्चे ऐसे हो जो मुझसे रेगुलर प्यार करते हो, इतना ज्यादा हमेशा से कंटिन्यूअसली तैयारी करते आ रहे हो, मेरा आशीर्वाद है एग्जाम में सारे बच्चे जल्दी से क्लियर होते जाएंगे, काफी बच्चे होते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ, रेगुलर मेरी क्लासेस देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी क्लास नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस जब मेरी पूरी बॉडी अपने आप को बोल देती है कि भाई अब मत ले क्लास, तभी जाकर मैं एक घंटे का रेस्ट लेता हूं, अदरवाइज आई एम रेडी हेयर ऑलवेज, चाहे मंडे टू संडे कुछ भी हो। मंडे से फ्राइडे तक हमारी रेगुलर क्लास 4 से 6 रहती है यूट्यूब पर, और सैटरडे संडे में हमारा मैराथन होता है जैसा आज हम लोगों ने किया, राइट। चलिए अब इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हो तो एक और ऐसी चीज है गाइस जो हम लोग ने आपके लिए बना के रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का AEJEE का सब्सक्रिप्शन। जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ लिखता है AEJEE इलेक्ट्रिकल, जब आप इसे AEJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो तो आपको वो चीज मिलती है यहाँ पर जो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी यूट्यूब की क्लास के साथ साथ बेटा यहाँ पर आपको मैं केक का क्रीम प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो केक की बेस है यानी कि जो केक की ब्रेड है वो बनाई जाती है आपकी इस बैच के अंदर, यानी आपके सारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है यहाँ पर, बेसिक लेवल से लेके और वो पूरे एडवांस लेवल तक, यानी कि मशीन के फैराडे लॉ से लेकर के पूरा ग्रिड कनेक्टेड सिंक्रोनस मशीन तक। यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको मिलता है इंडिया का वो बैच जिसको आज भारत में सारे बच्चों ने पसंद किया, AEJEE इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने, और ये वो मेरा बैच है JEE का इलेक्ट्रिकल का, और ये मेरा बैच है AEE का, दोनों आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे नॉन टेक्निकल का बैच प्रोवाइड कर दिया गया, ये आपका नॉन टेक्निकल का बैच है, तो आपकी नॉन टेक्निकल की चिंता दूर हो गई। रेलवे आने वाले समय में आएगा तो रेलवे का JEE का बैच हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, SSC आने वाले समय में आएगा तो SSC का बैच भी हमने ऑलरेडी मेरा वाला प्रोवाइड कर दिया है। इन सभी चीजों के अलावा अगर हम बात करें तो आपके स्टेट के जो GK के एग्जाम से स्पेसिफिक GK, जैसे राजस्थान, अभी राजस्थान GK हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जब बात करें हरियाणा GK, तो ये सारे GK आपके अवेलेबल हैं। इन सभी GK के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि मेरे बैच के अलावा, मेरे अलावा यहाँ पर इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स अकेडमी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, जैसे सारे इंस्टीट्यूट के कॉन्टेंट, बैचेस, टीचर्स, सब कुछ मटेरियल आपका यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन सभी चीजों के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मेरी रेगुलर डाउट क्लासेस और PYQ सेशंस मिलते हैं, प्लस आप लोगों को इंडिया के सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहीं पर हमने इंक्लूड कर दी गई है, तो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर इंक्लूड है, आपको कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी टेस्ट सीरीज है या नहीं है। इन सभी चीजों के अलावा इसकी प्राइस आपको लगता होगा बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस बहुत कम है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको 6 महीने के लिए सिर्फ 4619 का मिलता है, मैं खुद रिकमेंड करूंगा, टीम रिकमेंड करती है 6 महीने के लिए, हम कभी नहीं बोलते साल भर का ले लो, क्यों ले लो साल भर का जब 6 महीने में खत्म हो जाता है, तो जब 6 महीने में पढ़ सकता है बच्चा तो साल भर का क्यों करेगा नेसेसरी पैसे वेस्ट। लेकिन हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद कॉलेज में होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं, उनको मैं बोलूंगा कि 12 महीने, उनको भी कभी नहीं बोलूंगा कि 24 महीने के लिए जाओ, नहीं, आप वर्स्ट केस में 6 महीने आपको लेना है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा खुद का बैच पढ़ने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे प्लस नॉन टेक्निकल और रिविजन, तो 6 महीने सफिशियंट है अगर आप डेडिकेटेड मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो। 4 महीने के लिए मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि 4 महीने में शायद ये सिचुएशन बन सकती है कि आपको 5वें महीने के लिए जाना पड़े, राइट। लेकिन 12 महीने के लिए मैं उन्हीं को बोलूंगा जो जॉब में है या कॉलेज गोइंग है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और अगर कोई जॉब में या कॉलेज गोइंग में भी और उसको लगता है कि उसके पास सफिशियंट टाइम है पढ़ने का, तो सिर्फ 6 महीने के लिए लेना भाई, फालतू पैसे आप लोगों को है ना, फालतू आप लोगों को ये नहीं सोचना है ना, जो जेन्युइन है वही बताना, ठीक है, जो जेन्युइन है वही बताना, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बढ़िया तरीके से कि 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी होती है, वो होती है आपकी MOHITK लगाने के बाद, जो कि टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड है, और ये फाइनल प्राइस आपकी सिर्फ 4289 हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 4289 में आपको ये फाइनल मिल जाता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई बच्चों को लगता होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है और भी कुछ कम हो सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर राइट नाउ आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप 3 मंथ्स के लिए ले लीजिए जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, फिर 3 महीने के लिए बाद में अपग्रेड करवा दीजिएगा। लेकिन आप बोलोगे सर आज ही ये कम हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैं खुद सेवरल एग्जाम सिलेक्टेड हूं, मुझे खुद इतना समय हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिया है कि वो आपको मिलेगा नहीं, और अगर उस कंटेंट को दिया है तो उस कंटेंट की अपनी खुद की एक वैल्यू है और उस वैल्यू के ही चार्ज है और कुछ भी, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा गाइस मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं। द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लें और बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें। तो फिर अपन लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में और मस्त वे में मचाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप क्लियर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल 4 से 6 फिर मिलेंगे आग लगाते हुए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।